दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मंगलवार को मंजूर कर दिया है। इसे आम चुनाव से पहले सहयोगी शिवसेना के संबंध में सुधार के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने स्मारक के निर्माण के लिए धन मंजूर करने का फैसला ठाकरे की जयंती के पूर्व संध्या में किया है। फिलहाल शिवसेना ने इस पर खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का आगामी चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों के अनुसार महानगर के नगर निकाय बुधवार को स्मारक के निर्माण के लिए भूमि का कब्जा ट्रस्ट को सौंपेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने कहा कि उनसे सहयोगी दल शिवसेना के बीच मधुर संबंध है और रहेगा। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच समझौता होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा गठबंधन के पक्ष में है। मेयर के बंगले को स्मारक के लिए हिस्से के तौर पर संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए